हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग या फिर उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो क्वेश्चन बायोलॉजी का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सवाल आप लोग देख लीजिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसको पहले हम आम भाषा में समझते हैं, फिर इसको हम किताबी भाषा में देखेंगे कि आपको एग्जाम में लिखना किस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि हमारा मनुष्य जो होता है, मनुष्य के गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि जो है, ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है और ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये आयोडीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है और ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, आयोडीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। लगातार भोजन में आयोडीन की कमी होने के कारण उसमें जो हमारे जो गले में थायराइड ग्रंथि है, उसमें सूजन हो जाता है, यानी घाव हो जाता है, जिसके कारण इसका परिणाम हमें ये दिखाई पड़ता है कि हमें घेंघा रोग से पीड़ित होना पड़ता है, यानी हमें घेंघा रोग हो जाता है। अब ये घेंघा रोग आप देखे होंगे, अभी तो बहुत कम दिखाई पड़ता है, पहले ये बीमारी काफ़ी अधिक लोगों में दिखाई पड़ती थी। मतलब ये घेंघा रोग होता इस तरह से था, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे गला जो है, गला फूल जाता था। तो इसे ही घेंघा या फिर घेंघा या फिर ग्वाइडर बीमारी कहते हैं, ठीक है। घेंघा को ही इंग्लिश में ग्वाइडर कहते हैं। तो ये बीमारी पहले बहुत दिखाई पड़ती थी, अभी भी उतना नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हजार लोगों में से तो एक को दिख ही जाएगा। तो इस घेंघा या फिर ग्वाइडर जो बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो पहले इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ लिए कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के संश्लेषण में सहायक होती है। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो बाहर से घेंघा या फिर गाइडर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पे आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आयोडीन जो होता है, आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचता है, और इसीलिए जिन इलाकों में के जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है, उन इलाकों में ये जो घेंघा रोग है, घेंघा या फिर गाइडर, तो उन इलाकों में ये घेंघा बीमारी काफ़ी अधिक दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, ताकि घेंघा रोग से लोग बच सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। याद तो कुछ करना नहीं है, वही आपको जिस तरह बताया मैं शुरू से, तो उस तरह से आप एक दो बार बोल लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए।